हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन पढ़ाई थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यह है हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो थी वो 1971 टू 1980 में आई थी। और ये जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, इसमें बहुत ही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे थे, यानी कि इसमें VLSI यूज़ हो रहे थे। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यही फुल फॉर्म है VLSI की। VLSI जो थे इसमें अबाउट 5000 ट्रांसिस्टर्स थे और अदर सर्किट एलिमेंट्स थे एंड देर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन अ सिंगल चिप, यानी कि सिंगल चिप्स पर ही हम पॉसिबल कर सकते थे। ठीक है, उस पर सर्किट्स थी सारी की सारी। और इसको जो है माइक्रो कंप्यूटर, इट इज़ पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर टू फोर्थ जनरेशन, यानी कि फोर्थ जनरेशन तक आप एक माइक्रो कंप्यूटर ले आए थे। अगर आपने पहले देखा होगा तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ था हमारे कंप्यूटर का, देन थोड़ा छोटा हुआ, देन फिर ये थर्ड जनरेशन में इतना हुआ, फोर्थ जनरेशन में इतना हुआ। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत पावरफुल थे, कम्पैक्ट थे, रिलायबल थे, अफोर्डेबल थे। ठीक है, ये सब जो है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप लिख सकते हो, एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स में आप किसी में भी लिख सकते हो। इसमें ना फीचर्स दे रखे हैं, बट फीचर्स में कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आप वो थोड़ा क्लासिफाई कर लीजिएगा कि क्या इसकी डिसएडवांटेज है, क्या इसकी एडवांटेज है। बाकी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इट गिव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। अब रिजल्ट क्या आया कि पर्सनल कंप्यूटर्स बनने लगे यहाँ से। देन इसमें दे रखा है इसके फीचर्स, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, ये बहुत चीप थे, सस्ते थे, पोर्टेबल थे, रिलायबल थे। देन है यूज़ ऑफ PCs, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ हुआ था, वेरी स्मॉल साइज़ था, पाइपलाइन प्रोसेसिंग थी, AC नीडेड नहीं था यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अच्छी एडवांटेज इसकी यही है। देन है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे इंटरनेट यूज़ होने लगा था। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट आया था, कंप्यूटर जो है काफ़ी ईजिली अवेलेबल होने लगे थे। देन इसके कुछ कंप्यूटर दे रखे हैं इस जनरेशन के, फर्स्ट है DEC 10, देन सेकेंड है Star 1000, थर्ड है PDP 11, फोर्थ है Cray 1 सुपर कंप्यूटर एंड फिफ्थ है Cray XMP सुपर कंप्यूटर। लास्ट है हमारी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1980 से स्टार्ट है और अभी तक चल रही है ऑनवर्ड्स। अब इसमें USI यूज़ हुए थे, जिनको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में जो है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे। अब फिर ये USI जब से यूज़ होने लगी थी, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। ये जो जनरेशन थी ये पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर बनी हुई थी। ठीक है, एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें प्रोसेसिंग हार्डवेयर हो रही थी और पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर यूज़ हो रही थी और AI सॉफ्टवेयर यूज़ हो रही थी। अब इसके कुछ क्या कहते हैं इस वाले मेथड इसमें आते हैं हमारे, AI इज़ एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में AI काफ़ी इमर्जिंग ब्रांच है। ठीक है, विल इंटरप्ट मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स लिंक थिंक लाइक ह्यूमन बींग हैज़ द हायर लेवल लैंग्वेज। ह्यूमन बींग के पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है बहुत सारी, लाइक C++, जावा, नेट एक्सेट्रा आर यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में ये सारी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑल इंक्लूड्स, ठीक है, अब इसमें बात की गई है क्या क्या इंक्लूड करता है, रोबोटिक्स, न्यूट्रल नेटवर्क, गेम प्लेइंग, फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, फोर्थ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। देन इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, फीचर्स में आप लिख सकते हैं USI टेक्नोलॉजी, देन सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, देन थर्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट हुआ था, फोर्थ है कि पैरेलल प्रोसेसिंग की एडवांसमेंट हुई थी, फिफ्थ है एडवांसमेंट हुई थी सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी की, सिक्स्थ है ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था, देन सेवन है कि इसकी एबिलिटी जो थी काफ़ी पावरफुल थी। अब इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स दे रखे हैं, पहला कंप्यूटर है हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। अब अगर आप इस जनरेशन में हैं तो आपने इसमें से इन ऑलमोस्ट सारे ही कंप्यूटर्स के नेम सुने होंगे, क्योंकि ये सब आते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।